नागा स्टाइल है और ये नागा स्टाइल है, ट्राइब स्टाइल है ना। इसका 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 क्या है? 200 कलम था ना मैंने सिर के ऊपर, वही है जापी। पूरा तांबा का है अपन रेड भी, ये भी और फिर से ये भी। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज मुंबई वाला साइन इन विद अ न्यू वीडियो। डे 3 है तो आज मैं आ चुका हूँ श्रीमंता, क्या लिखा है, श्रीमंता शंकर देवा कला क्षेत्र की तरफ। तो कल जैसे जू जाने के बाद हम यहाँ पर आने वाले थे, पर क्या हुआ ना, लेट भी हो गया था और बारिश तो बहुत तेज से हो गया था। आज अपन एक आसामीज कल्चर के बारे में बताएंगे और आसामीज फूड के बारे में बताएंगे। तो ये श्रीमंता कला क्षेत्र जो है, पोएट है मेडिवल्स टाइम में, जो 14-15 सेंचुरी में इस हुआ था, 9 नवंबर 1988 में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंट्रेंस है यहाँ का, जो टिकट काट रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो टिकट चेक कर रहा है उसको प्रॉब्लम है। कैमरा का टिकट लेना ही पड़ेगा बोलता है, दिखा दे उसको। किड्स प्लेइंग एरिया है स्टार्टिंग में, तो देखते हैं अभी अंदर कितना म्यूजियम है। वैसे एक ही है या दो तीन बिल्डिंग है? दो बिल्डिंग है। देखो अपन ने देखा था ना जू में, जापी ना। हाँ वो असम का प्राइड है, जापी बोलते हैं। जब आदमी मतलब खेत में जाता है ना, हाँ, धान रोपने के लिए, हाँ, क्रॉप वो करने के लिए, तो बारिश देता ना ऊपर से, हाँ, तो ये जापी लगाते हो। अच्छा, खुद बचाने के लिए, खुद हाँ, सर को, हाँ सर को ये जापी लगाते हैं। जागरण शोरूम ऑफ आर्ट फिट श्रीमंता, तो यहाँ पर कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, हाँ, कपड़े बेचने के लिए, कपड़ा वगैरह, गमछा वगैरह, सिल्क का है ये पूरा आसामी का है। ये वुड का है और ये क्या है, इयररिंग्स। हाँ ये किससे बना है? ये नॉर्मल हाथों से बना है, ये हैंडमेड है पूरा। देखो पूरा इयररिंग्स वगैरह है, फिर से बांसुरी है, 50 रुपीस का है। हाँ। और ये किचन है ना वही जापी का। हाँ। और ये बालों का है, हैंडमेड है ये, हैंडमेड है क्या ये पूरा? हैंडमेड है इधर का। वाह मस्त है यार। ये इसका क्या है प्राइस? अलग अलग 100 250, हाँ 250 100, ये 100 का है क्या? पर 220 रोज से, 220 रोज। ये भी देखो, ये भी हैंडमेड है, ये सारा ना, ये मस्त है। ये नागा स्टाइल है और ये नागा स्टाइल है, ट्राइब स्टाइल है ना। इसका 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 क्या है? 100 में देखो, 100 और 9 की है ना, 100 और 9। ये तो नागा ट्राइब का है ना, ये नागा ट्राइब का है क्या? कार्बी ट्राइब, कार्बी। ये शिलोंग जाएंगे ना हम लोग, हाँ, कार्बी खास। ये क्या है भाई? ये कप है, उड़का है ना ये भी? हाँ, ये कप है। और इसको देखो पूरा फिनिशिंग वगैरह दिया गया, और ये चाय भी पीने के लिए छोटा, मस्त यार, प्यारा सा लग रहा है एकदम। और ये क्या है? ये तुम्हारा ये आ गया, ये चटाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये टेबल टेबल मैट है, गिफ्ट सेट। ओह वाओ, बॉटल देख रहे, पानी का बॉटल है, खतरनाक है। देखो ये जापी जिसने कल दिखाया था ना, ये जब बारिश वगैरह गिरती है तब हम लोग यूज़ करते हैं खेत में। तो यहाँ का जब क्या, ये इसका बता दे जरा। ये जापी है असम का, वो जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ना, वही है। तो ये ऐसे करके पहनते हैं इसको, ऐसे पहनते हैं, ऐसा, हाँ ऐसा पहनते हैं। प्राइड है असम का। ओके, इसका क्या है? राइनो का, ये हैंडमेड है, हॉर्न राइनो, ये भी हैंडमेड है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ का जो भी सब कुछ है हैंडमेड, या पर्स बोलो, जापी बोलो, फूड बॉटल, वो मछली मारते हैं इसे, इसे मछली मारते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं, मेरे को भूल गया, मैं मम्मी लोगों को मालूम होगा, ये जापी कुछ बोलते हैं। यहाँ पर पूरा जो भी है हैंडमेड ही था, ज़्यादा करके ऊड वगैरह का ही बना था यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जब एंट्री करते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर ज़रूर एक बार विजिट करके देखिए जागरण, ओके, और शोरूम ऑफ आर्ट फेयर। तो यहाँ एक होने के बाद अभी अपन जाएंगे
यहाँ और एक शॉप है, सोवेनियर शॉप, ये तो बंद पड़ा है वैसे, आगे जाके देखते हैं अभी। अच्छा मणिपुर का, ये मणिपुर का है, मणिपुरी ये ट्राइब लोग ऐसा मतलब ऐसा ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस सब वेयर करते हैं। ओके ये बिहू डांस के बाद आसाम का फोक डांस, तो ये मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस है जो बिहू के टाइम पे पहनते हैं। ओके तो ये मणिपुर वाला देखो, रासलीला गोपी ऑफ मणिपुर, ये बिहू डांस है, जब आसाम में बिहू फेस्टिवल होता है तब ऐसा वेयर करते हैं यहाँ के लेडीज। तो उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल होने के बाद ये सेकंड पे जाते हैं अपन अभी, ये भी एक क्षत्रिय डांस ऑफ आसाम, ये गमछा वगैरह टाइप में बनाया गया है। परमिशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट। अच्छा इधर से बताया बाहर से श्री मंता शंकर देव, तो उनके बारे में यहाँ पर है, तो मैडम ने हमारी बहुत मदद की यहाँ पे आने के बाद, तो अभी मैडम अपन को सारा सब कुछ एक्सप्लेन करेगी जो यहाँ का है। तो नेपाली टोटल कितना है ऐसे? 26 आसाम में ट्राइब है, अलग अलग टाइप का, नागा ट्राइब, खासी, गारो, सिंगपो, सिंगपो खासी, गारो खासी, अरुणाचली, मिजो, मिजो, मणिपुरी, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है ये पूरा। तो इसमें ये जैसे सारा सब में सब इधर लिखा हुआ है, ये प्रिजर्व करके रख दिया और ये देखने के लिए ओपन ओपन करके रख दिया। ये वाला कौन सा पेड़ है यहाँ? शशिकस, शशिकस पेड़ के ऊपर लिखा है, तो पेड़ का नाम है शशिकस। तो पेड़ का कुछ शंकर देव ने बनाया था, ये बहुत बड़ा था। ये अभी यहाँ पे नहीं है, ये लंदन में है। लंदन में क्या? ब्रिटिश ने ले लिया ये वाला। हाँ ये कपड़ा था, बहुत बड़ा था ये। ये कपड़ा बहुत बड़ा है, ये 4 पीस करके अभी लंदन म्यूजियम, एल्बर्ट म्यूजियम में है, इधर लिखा हुआ है लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में है, स्टेट म्यूजियम, वेल्स, फ्रांस और वुमेन म्यूजियम, 4 म्यूजियम। ओके तो यहाँ से एंट्री है जैसे दूसरे म्यूजियम के, तो यहाँ पर जैसे अपन ने मुकुट वगैरह देखा था ना, तो उनका वही, यह है उद्धव, उद्धव। और फिर से देखो यहाँ पर बड़े बड़े रावण क्या है, अभी गयासुर, अभी गयासुर कौन थे वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके बारे में। और ये मेनली असम इसका है, ये पेपा बोलता है इसको। क्या पेपा? पेपा, पेपा नहीं जैसा है क्या? हाँ पेपा, पेपा। ओके ये अच्छा, ये पेपा उसके अंदर कुछ तो कुछ, ये फाइल, ये किससे है, प्लास्टिक है क्या आगे, और वो पीछे बांसुरी है ना, बांसुरी डाला है पीछे। हाँ 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 साइन बोलता है, इंस्ट्रूमेंट्स, बीहू ताल, पति ताल, कुटी ताल, मंजीरा, लार्ज सिंबल। हाइट कितना रहेगा यार? 10-11 फीट रहेगा ना। नरसिंहा, चार हाथ है, डेमन, व्हाट इज दिस रोड, दिस इज सूत्रा, सूत्रधार। ओके तो ये नीचे का म्यूजियम था, तो अभी जा रहे हैं ऊपर आर्ट गैलरी में,
तो यहाँ पर थोड़ा ना लाइट का थोड़ा आर्ट गैलरी नहीं तो है पीछे, ये वही है नीचे जो ट्रेडिशन वगैरह के। हाँ, तो यहाँ पर आपको सब जगह के ट्रेडिशन देखने मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस आसाम। कपड़े वगैरह का ट्रेडिशन, ये सारा कपड़ों वगैरह का है। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। ये तीवा जो मेरा फ्रेंड आता ना राधा, जो फोटोग्राफर जिसका वो राधा कम्युनिटी का। ओके, ये गमछा बनता है, इसे गमछा बनने का मशीन है। घर पे भी है, मम्मी बनाती है। हाँ, मेरे घर पे गमछा जो मैंने दिया था ना तुझे, मम्मी ने बनाया। लूम बोलते हैं क्या? लूम बोलते हैं। मशीन का नाम लूम है, गमछा को लूम बोलते हैं। नहीं नहीं, हैंडमेड मशीन है। ये दियोरी कम्युनिटी, दियोरी कम्युनिटी उनका रहन सहन, और ये मिशिंग कम्युनिटी जो होता है पास्काई, गेल, खाम्बांग, नारा, पास्काई। बाहर आ गया, अभी जा रहे हैं यहाँ तरफ। यहाँ क्या देखिए, बगिंबा नीला मुनि पुकन ऑडिटोरियम। अभी इधर पूरा आसाम इसमें लिखा है, इधर ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है मेरे को। ये देखो जो नीचे पहना था ना मैंने सिर के ऊपर, वही है जापी। ये बारिश से बचने के लिए पहनते हैं यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के पीपल। यहाँ पर अभी हम खाने आए आसाम में थाली, तो अंकल को कांटेक्ट किया था। वैसे यही होटल है गेम्स, जो कि गणेश गुरी में होता है। तो फाइनली 3 दिनों बाद आज फर्स्ट टाइम आसाम में थाली हम ट्राई करने वाले हैं। तुमने तो खाया रहेगा ना भाई, हमें तो खाते आ रहे हैं बच्चों। ये तांबा है ना भाई, वो देख, वो दिखा होगा, वो दिखा दे उधर के चालू देख। अच्छा, वो फोर है। ओके, जोहार राइस। अभी वेज का, वेज का देखेंगे तो वेज का है 210 और इसका नॉन वेज का 460 है। इसमें से नॉन वेज में क्या क्या आएगा, जोहार राइस, येलो दाल, ब्लैक दाल, वेजिटेबल अंजीर, ग्रीन वेजिटेबल। स्टार्टिंग में मिला होटल में एंट्री करने के बाद। इसमें कुछ ब्लैक पेपर है और एक कोरिएंडर और एक है मूली वगैरह, अदरक है। ओके, ये अदरक है, पूरा गर्म पानी में लिया है, मस्त है, एक नंबर। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ट्राई करते हैं। पूरा गरम गरम है, ऐसा लग रहा है वो कॉर्न सूप रहते हैं ना नॉर का, वैसा टेस्ट आ रहा है। पूरा टुकड़ा में लिया अदरक, अदरक नहीं बे, कुछ भी बोलता है ये, पटेटो या उसका है ये बनाना, बनाना का जो वो रहता है ना लीफ का, वो है लग रहा है बे, अदरक है। हट, अदरक का टेस्ट ही नहीं है बे वो। नहीं, दाल का, हाँ दाल का। ओके, ये मिक्स असर है, ये बैम्बू शू साथ में, बैम्बू शू, बैम्बू का। ओके, तो ये अच्छा मिक्स अच्छा है, ये दाल का चटनी है और ये बैम्बू का, बैम्बू शू, बैम्बू शू, बैम्बू शू बोलते हैं। और ये क्या है, मौसम्बी या ये कौन, ये नींबू है, ये नींबू इतना बड़ा, नींबू या मौसम्बी है बे, नींबू है, काजू नींबू बोलते हैं, काजू नींबू। अभी भाई बताएंगे इसमें, ये दाल है अपना नॉर्मल, ये ब्लैक दाल या आलू, अच्छा ये पपाया, पपाया मीठा है या मतलब ये हलवा, हाँ हलवा नहीं, बेस्ट फ्राई। ओके,
ये आसामी थाली तो आज इसको अपन ट्राई करेंगे और बढ़िया लग रहा है पूरा। तो सबसे बढ़िया लग रहा है सूप, तो ये बेम्बो सूप ट्राई कर। हाँ ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये मेन डिश है। ट्राई अपन रेड भी, ये भी, और फिर से ये भी। ये तो नॉर्मल दाल चावल है, वो सूप भी एक नंबर है। टेस्ट अच्छा आ गया था, सब खाना मस्त आएगा। इसको ऐसे ही खाता है ना भाई, सब्जी हो ना, ये मिक्स सब्जी है। ये दाल का भी टेस्ट है, काली वो काले था, काला दाल है ना, आलू है ना ये तो। हाँ आलू का सब्जी है, क्योंकि सबसे बढ़िया लग रहा है सूप, समझ में आना चाहिए। हट दम बोलता ना ऐसे, आलू का पिटिका आलू है ये, ये आलू से बना हुआ है। हाँ अबे ये तो ये ना अपन उसमें यूज़ करते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं ना उसमें यूज़ करते हैं, वैसा सेम टेस्ट है। अगर ये चपाती में डाल दिया आलू का पराठा, ये काय का पपाया का। हाँ पपाया, ये पपाया है। ये मेमो सूट का असली तो ये है, ये मेमो सूट का चटनी है। हाँ अलग है नहीं टेस्ट। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, लगा कि मुझे पहले लगा कि ये स्वीट रहेगा, पर ये स्वीट नहीं है लास्ट में, और ये भी स्वीट रहेगा, स्वीट है ही नहीं इधर बिल में, और नींबू तो इतना बड़ा ला के रहता है। तो अभी फाइनली खाना वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अभी लास्ट में जब अपना थाली के साथ ये मिलता है पायो, तो इसमें राइस है और वही अपना राइस का खीर जैसे अपन नॉर्मल बनाते हैं, पर टेस्ट में कुछ डिफरेंस है क्या देखना पड़ेगा। टेस्ट भी सेम है भाई, डिफरेंस नहीं है, खीर राइस का खीर है। अरे अपन सुबह इधर से तो आए थे, ये सुबह वाला रोड है ना। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5, घर पे बस पकड़ के हम निकल जाएंगे अभी। तो वहाँ से होटल से निकलने के बाद, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कल भी कि यहाँ पर आसाम में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 5 बजे ही अगर 5:30-6 बजे देख लोगे ना, तो मुंबई में जैसे 8-9 बजता है ना वैसे ही हो जाता है। तो इसी तरह से ये ब्लॉग एंड करने का समय आ गया है, अभी बस पकड़ के निकल जाते हैं घर की तरफ। तो अगर ब्लॉग देखने में थोड़ा भी मज़ा आया होगा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट, बाय।